हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। चलिए आज हम इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स को जानेंगे जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट का मीनिंग होता है प्रसंग या विषय, यानी कि जब भी हम किसी टॉपिक रिलेटेड हम बात कर रहे होते हैं या किस सब्जेक्ट पे हम बात करते हैं उसको हम कंटेक्स्ट बोलते हैं। ये जो है, जब ऑफिस लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पर इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। जैसे कि इन वर्ड कंटेक्स्ट ही से, यानी कि उसने किस विषय में बोला या बात की। फिर ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव यानी कि विकल्प। लोग काफ़ी सारे बच्चे लोग या स्टूडेंट्स ऑल्टरनेटिव में कन्फ्यूज आते हैं। ये ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव यानी विकल्प। जैसे कि वी हैव नो ऑल्टरनेटिव, यानी कि हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अगला रिज्यूम। रिज्यूम आपने काफ़ी बार सुना होगा। जब हम इसको इंटरव्यू वाले फेस में बोलते हैं रिज्यूम, तो इसका वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा कुछ डिफरेंट होता है। बट रिज्यूम के और भी बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, जैसे कि सारांश। सारांश यानी कि जब भी हम कोई चीज़ को कंक्लूड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे रिज्यूम यूज वर्ड किया जाता है। या फिर से शुरू कर दे, यानी कि जब मैं किसी काम को कर रहा हूँ और मैंने उसे स्टॉप करके फिर से स्टार्ट कर दिया है तो वहाँ पे मैं रिज्यूम को यूज़ करूँगा। अगला ऑल्टरनेट, यानी कि बारी बारी से, यानी कि हर दूसरा। यानी कि आप देख सकते हो ऑल्टरनेटिव और ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट यानी बारी बारी से। शी वर्क्स ऑन ऑल्टरनेट डे, यानी कि वो एक दिन छोड़ एक दिन काम करती है। फिर दो को हालांकि या भले ही, काफ़ी सारे लोग इसमें कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। इसके एक सेंटेंस जैसे आई लाइक हर दो, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे जब दो वर्ड पे यूज, यानी कि हम हालांकि ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो या भले ही ऐसे सेंटेंस में यूज़ होता है। फिर नॉट एट ऑल, यानी कि विकल्प भी नहीं, यानी कि आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी, यानी मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, ठीक है। यानी कि बिल्कुल भी खुश ना होना, यानी बिल्कुल कोई ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि कोई चांस नहीं है। तो वहाँ पर हम नॉट एट ऑल वर्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्ड शो करते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई भी छोटा सा भी यानी माइनर भी चांस ना हो, वहाँ पर ये वर्ड यूज होता है। फिर एक्सेप्ट, यानी कि को छोड़कर, यानी अलावा। वी वर्क एवरी डे एक्सेप्ट संडे, यानी कि हम संडे के अलावा बाकी सारे दिन काम करते हैं। फिर एक्सेप्ट यानी कि मान लेना यानी कि, या फिर कबूल करना। हम जब किसी को कबूल करते हैं, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उसे हम एक्सेप्ट बोलते हैं। जैसे कि एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, यानी कि या तो आप कबूल कर लो या फिर बिल्कुल रिजेक्ट उसे कर दो, यानी मना कर दो। आई होप आप समझ पाए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। और मेरे इस चैनल को IHM गुरुकुल को सब्सक्राइब कर दीजिए।